दिव्य दर्शन YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको आयरन की गोली खाने के कुछ नियम होते हैं उन्हीं के बारे में बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। आयरन शरीर के लिए जरूरी मिनरल है। यह प्रोटीन, हीमोग्लोबिन और जरूरी एंजाइम बनाने में मदद करता है। इसका स्तर सामान्य से अधिक गिरने पर शरीर में खून की कमी हो जाती है। कई बार लोग इसकी कमी पूरी करने के लिए शौकिया तौर पर आयरन टैबलेट की ओवरडोज ले लेते हैं। ऐसा करना घातक साबित हो सकता है। हाल ही में दिल्ली में एक छात्रा की इसकी ओवरडोज से मौत का मामला सामने आया है। तो चलिए जान लेते हैं कि आयरन की गोली को कब, कैसे और कितना लेना चाहिए। आयरन की गोली खाने के नियम। आयरन की गोली कभी खाली पेट न ले। खाना या नाश्ता करने के 20 से 30 मिनट बाद ही लें, वरना सीने में जलन की समस्या हो सकती है। आयरन की गोली को दोपहर को खाना खाने के बाद लें और इस दिन दूध से बनी कोई भी चीज ना खाएं। गोली को चबाकर ना खाएं, गोली को बिना पानी से भी ना लें। इसकी एक टैबलेट से अधिक लेना ओवरडोज की श्रेणी में आता है। ध्यान रखें, आयरन और कैल्शियम की गोली एक साथ ना लें। कैल्शियम शरीर में आयरन के अवशोषण में दिक्कत पैदा करता है। ओवरडोज के कारण शरीर में होने वाली दिक्कतों की गंभीरता इस बात पर निर्भर करता है कि कितनी टैबलेट ली गई है। ऐसे में उल्टी, पेट में जलन और दस्त की शिकायत हो सकती है। विशेषज्ञों के मुताबिक शरीर में आयरन की कमी को प्राकृतिक स्रोतों से पूरा करना दवा के मुकाबले बेहतर है। इसके लिए ज्यादातर हरी पत्तेदार सब्जियां, साबुत अनाज, मछली, अंडे, सूखे मेवे, सोयाबीन, राजमा, किशमिश, मूंगफली को डाइट में शामिल करना जरूरी होता है। इन सभी चीजों को आप खाएंगे तो प्राकृतिक तौर से आपके शरीर में आयरन की पूर्ति होती रहेगी और आपको कभी भी आयरन की कमी नहीं होगी। आप हमें कमेंट करके बताइए, क्या आपको भी आयरन की कमी है? इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।